करते थे कभी कभी इन सुंदर वादियों में, सुंदर प्रदेश में। आप हैं जी मैडम शीना शाम पीछे और साथ में हैं जी डिप्टी डायरेक्टर जी, क्षमा चाहूंगा जी डायरेक्टर टूरिज्म। टूरिज्म पबन सिटी हैं जी श्री महेश कुमार जी और साथ में डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म प्लानिंग हैं जी मैडम है जी नेहा महाजन जी और साथ में हैं अकाउंट ऑफिसर। जो है बच्चों को थोड़े इसके बात करते हैं, देखिए ये आज डायरेक्टोरेट टूरिज्म ने यहाँ पर काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है ये तवी रिवर फ्रंट पार्क में और मैं समझता हूँ ये डायरेक्टर टूरिज्म इनका बड़ा सराहनीय प्रयास है क्योंकि 2017 में बताया जा रहा है कि पहले ये काइट फेस्टिवल हुआ था। दिस इज़ द सेकंड इन द सीरीज। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो जो हमारा रक्षाबंधन और जन्माष्टमी ये पूरा वीक 10 दिन जो है वो पूरे जम्मू प्रांत में खासतौर पर जम्मू शहर में पतंगबाजी के लिए जो है बड़ा ये मशहूर है ये वाला पीरियड और इसमें तो काफ़ी जो है खूब पतंगबाजी होती है एंड ये बहुत पुरानी प्रथा है जो हमारे शहर की। तो मैं समझता हूँ उसी कल्चर को ये रिवाइव करने के लिए है प्लस एक एक्टिविटी भी एक आउटडोर एक्टिविटी की तरह भी इसे देखा जा सकता है क्योंकि कोविड के दौरान आप देख रहे हैं कि सभी लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में थे जैसे पिछले साल। तो एक बड़े से यहाँ पे पार्क में तवी के बिल्कुल किनारे पर एक खूबसूरत माहौल में आज यहाँ पर कंपटीटर्स आए हैं। मुझे बताया गया है कि लगभग 100 के करीब यहाँ पर आज प्रतिभागी आएंगे और बड़ा अच्छा माहौल है मैं देख रहा हूँ। इस खूबसूरत जगह पर आज पतंग का कंपटीशन होगा तो मैं समझता हूँ कि ये ना केवल हमारी जो कस्टम्स और प्रैक्टिसेज हैं उसको जो है बूस्ट मिलेगा साथ ही में ये एक टूरिज्म सेक्टर को भी रिवाइव करने का क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे अब हम लोग कोरोना की स्थिति से उभर रहे हैं तो गतिविधियाँ सभी सुचारू रूप से चल रही हैं तो यही उसकी कड़ी में ही एक प्रयास है। आपकी तरफ से भी बड़ा प्रयास किया गया है कि सरकार चाइनीज जो है उसको बैन किया जाए मगर उसके बावजूद भी 6 साल के बच्चे के आज किस तरह के ढोल का इस्तेमाल किया जाए किस तरह की हिदायत जो है वो दी जा रही है एक मैसेज जम्मू के लिए कि जिस जो लोग जो चाइनीज ढोल का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए जन्माष्टमी भी नज़दीक है क्या मैसेज देना चाहिए जी। देखिए ये बड़ा क्लियर कट है ये सरकार ने पूर्णतः प्रतिबंधित है जो चाइनीज थ्रेड है और इसके लिए जो है धारा 144 के तहत प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स भी सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने निकाले हैं और उसके तहत जॉइंट मार्केट चेकिंग्स भी हुई काफ़ी जगह पर ड्राइव्स करके सीज़र भी हुआ है और FIR तक दर्ज हुई है। मेरा सभी से यही निवेदन रहेगा कि ये हमारा एक ये जो फेस्टिवल है उसमें हम लोग जो अपने हमारा ट्रेडिशनल कॉटन थ्रेड है सिर्फ वही यूज़ करें और आप देखते हैं पहले भी कैसे शहर में डोरें लगती थी हमारे परेड ग्राउंड में एग्जीबिशन ग्राउंड में और अब वो भी जो है कम होता जा रहा है तो हम लोगों को अपना जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ थ्रेड जो कि इसके लिए बनाया गया है जबकि ये जो चाइनीज़ थ्रेड जो हो रहा है ये प्लास्टिक से बना हुआ थ्रेड है और अगर आप देखेंगे जो ये जब हम सीज़र भी कर रहे हैं तो उन प्रोडक्ट्स में भी खास तौर पर लिखा गया है कि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर काइट फ्लाइंग। तो इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही हैं बट मैं समझता हूँ कि डिमांड को ख़त्म करना है। डिमांड हम ख़त्म करेंगे तो सप्लाई ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी
कृपया जो कॉटन थ्रेड है उसी का इस्तेमाल करें। जैसे आज यहाँ पर डायरेक्टोरेट के आप देखेंगे जो विज्ञप्ति थी उसमें भी खास तौर पर लिखा गया था कि सिर्फ कॉटन थ्रेड ही इसमें काइट फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। देखिए जन्माष्टमी हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है और इसको हम लोग सौहार्दपूर्ण माहौल में इसको मनाएं हर साल की भांति। और उसके साथ साथ जो हमारी कोविड गाइडलाइंस हैं 25 की हमारी कॉन्ग्रीगेशन का जो सरकार का जो नियम है अभी वर्तमान में उसको फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि ये भी देखने में आ रहा है कि जहाँ जहाँ पर कॉन्ग्रीगेशन हो रही हैं वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए मेरा निवेदन सभी शहरवासियों से, जम्मू डिवीज़न के सभी नागरिकों से यही रहेगा कि जन्माष्टमी पर्व हम लोग पूरे धूमधाम से मनाएं, किंतु कोविड SOPs का और जो गैदरिंग की सीलिंग है उसका ख्याल जरूर रखें। सरकार की ओर से ऐसा प्रयास किया जा रहा है तो ये बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो लोक खेल हैं, जो हमारे वो लोक खेल है, उनकी भी प्रतियोगिता चाहिए। जो खेल हमारे आपकी अनेकों समस्याओं का समाधान करने वाले काले और रूहानी इल्म के बेताज बादशाह हैं मियां रहमान जी, तंत्र मंत्र और यंत्र के स्पेशलिस्ट। मियां रहमान जी से मिलें और अपनी समस्याओं का तुरंत समाधान पाएं, जैसे कारोबार, नौकरी, ग्रह क्लेश, प्यार मोहब्बत, संतान प्राप्ति, सौतन दुश्मन से छुटकारा, किया कराया, बीमारी में दवा का न लगना, जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी के चक्कर, देश विदेश यात्रा में रुकावट, वशीकरण व मुठकरणी के सुपर स्पेशलिस्ट हैं मियां रहमान जी। मुझे इस जिंदगी से जैसे घुटन सी होने लगी, मेरा दम घुटने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे ग्रहों का दोष है या मेरी जन्म कुंडली में चल रही कोई गलत दशा। मियां रहमान जी की कृपा से मेरी जिंदगी खुशियों से भर। देश विदेश में बैठी मेरी माताएं बहनें एक बार फोन करके सेवा का मौका जरूर दें। पता मियां रहमान जी, जम्मू गांधीनगर गोल मार्केट, फोन 98184 42 843।